नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि चर्चित समाज सेवी जीवन यादव के माध्यम से एक मासूम बच्ची को सही सलामत पहुंचाया गया उसके घर। आपको बताते चले कि यह मासूम बच्ची आज सुबह से ही लापता थी और भटकते भटकते जीवन यादव के कार्यालय पहुंच गई और वहां पर जीवन यादव के कार्यकर्ताओं द्वारा उस मासूम बच्ची को सुरक्षित रखा गया और उससे पूरी जानकारी लेने की कोशिश की गई। वो लड़की कहाँ की है, कैसे यहाँ पहुंची है, लेकिन वो मासूम लड़की कुछ बोल नहीं सकती थी। तभी जीवन यादव के कार्यकर्ताओं द्वारा उसका फोटो खींचकर फेसबुक पर पोस्ट किया गया और इस पोस्ट की जानकारी जैसे ही उस मासूम बच्चे के परिजनों को लगा, परिजनों ने तुरंत जीवन यादव के कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क किया और पूरी जानकारी बताई। जीवन यादव ने खुद उस बच्चे को अपने माध्यम से उसके गृह स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया। आपको बताते चले कि इस मासूम बच्चे का घर मखदून सराय में पड़ता है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद नाजीम है, तो वहीं पर माता का नाम चांद तारा खातून है। और समाज सेवी जीवन यादव उस मासूम बच्चे को लेकर मखदून सराय पहुंचे और वहां पर देखा गया कि सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। जीवन यादव ने सभी से अपील की कि अभी का माहौल देखते हुए आप सभी अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए और घर पर सुरक्षित रखिए, क्योंकि बहुत तरह की आए दिन न्यूज आ रही है कि बच्चा चोरी हो रहा है, जिसे लेकर के जीवन यादव ने लोगों को आगाह किया और अपील किया कि बच्चों को घर पर सुरक्षित रखें। आइए देखते हैं और क्या कुछ कहते हैं जीवन यादव मीडिया से बात करते हुए। गलत बात है, बच्चा बेचने वाला गिरोह चल रहा है, मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक पर लोग दे रहे, बच्चा चोर घूम रहे सब। मम्मी के नाम बताती है ना, जाने के लिए खरीदे है लो, बोला चाहिए ना, पापा घर का है, मम्मी घर का है, ऐसा गलती नहीं कीजिए लो। और एक मैसेज अपने मोहल्ले में दीजिए लो कि बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है सब, ऐसे बच्चों को ले जाके बेच देता है सब, अपने बच्चों का नहीं कीजिएगा।